तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से सागर तिवारी सच तिवारी चैनल पे। और आज मैं आया हूँ उसी लोकेशन पे, उसी लोकेशन को दोहराने आया हूँ। और यहाँ क्यों आया हूँ, जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं इस जगह पे दोबारा आऊँगा। 120 साल पुराना ये मंदिर है, ये आपको जो पीछे दिख रहा है मारवाड़ियों का मंदिर है। मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और उसमें पूरी स्टोरी शेयर करी थी, 22 मिनट की वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ देख लेना जाके, आपको समझ आएगा कि क्यों मैं यहाँ पर आया था। बहुत बड़ी स्टोरी है, फिल्मी स्टोरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हुई थी जो कि शायद कुछ ही लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी, तो आप सभी को बता देता हूँ। आ जाइए अंदर की तरफ चलते हैं। और आप सभी को बता देता हूँ, ये पूरा टेंपल देखिए पहले, ये एक मंदिर है, पुराना मंदिर, काफी ज्यादा, बहुत ही पुराना है। अभी थोड़ा सा रेनोवेट किया था ये। यहाँ पे पूजा होती है हर ट्यूसडे को। और 11 बज रहे हैं, मैं 11 बजे आया हूँ यहाँ पे, आज इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, आप सभी को बता देता हूँ। उसका कारण ये है कि ये मारवाड़ियों का एक मंदिर था, जिन्होंने यहाँ पे आके एक मंदिर बनाया, स्थापित किया, और यहाँ पे पूजा होने लग गई। कुछ ही गांव के लोग रहते थे, वो मारवाड़ी कहाँ से आए थे कहाँ से नहीं आए थे लोगों को नहीं पता, लेकिन उन्होंने भगवान का एक मंदिर बनाया, राम लक्ष्मण सीता जी का, और अंदर मूर्तियां हैं। लेकिन स्टोरी क्या है आपको मैं पहले वो बता देता हूं कि यहां पे 3 मूर्ति चोरी हो गई थी जो अष्ट धातु की बनी थी। अगर आप सभी को नहीं पता अष्ट धातु क्या होता है तो गूगल करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। काफी एक्सपेंसिव वो मूर्तियां थी, उसके अंदर कॉपर, जिंक, लीड, गोल्ड सबको मिला के वो मूर्तियां बनती है। तो उन मूर्तियों को 3 लोगों ने चुरा लिया था, गांव के जो आसपास के यहाँ पे गांव के लोग थे उन्होंने चुरा लिया था। तो 2 बंदों की डेथ हो गई थी, एक बंदा पागल हो गया था, फिर उसकी डेथ हो गई थी। और काफी बड़ी ये स्टोरी है, देखा जाए तो फिल्मों में आपने सुना होगा कि एक मंदिर से मूर्तियां चुरा लेते हैं लोग तो फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। आपने पुरानी मूवी अगर देखी होगी तो आपको शायद पता चल गया होगा। तो ये स्टोरी है, लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि मेरी फर्स्ट वाली वीडियो जरूर देखना, आपको उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हर एक वीडियो के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी जो यहां की मैंने बनाई थी। चलिए मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं पहले। और ये है एक कुआ और काफी गहरा, ये देखिए इसकी गहराई काफी बहुत ही अंदर तक है ये। और ये पुराने टाइप का बना हुआ है, एक छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं। और आपको मैं इस तरफ भी ले चलता हूं, ये देखिए यहां पे भी काफी पुराना डिजाइन बना हुआ है, थोड़ा बहुत रेनोवेट कराया इन्होंने, गांव वालों ने मिलके पैसा जोड़ के यहाँ पे पेंट कराया था। लेकिन आपको पता ही है गांव में लोग कितना पैसा कमाते हैं, कैसे इसको दोबारा बना पाए। तो वो मारवाड़ी काफी पैसे वाले थे, उनमें से काफी लोग उन्हें जानते थे। जब उन्होंने ये मंदिर बनवाया उन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया, ये बहुत अच्छी बात थी, यहाँ पे जब कोई मंदिर नहीं होया करता था। तो लोगों का ऐसा कहना है और मेरा ये कहना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी जरूर है। उस वीडियो का मेरा टाइटल था कि भगवान ने कैसे लिया बदला। आप सोचो, ये एक भगवान का रिवेंज है, आपने गलती करी इसलिए आपको उसकी सज़ा मिली, तो उन लोगों को इसकी सज़ा मिली। और जो भी यहाँ के गांव के लोग अगर देखें मेरी वीडियो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं बस एक स्टोरी बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और काफ़ी दूर दूर यहाँ पे कोई गाँव नहीं है, आप इस तरफ देखिए यहाँ पे कोई गांव नहीं है आसपास में, आप लेफ्ट राइट पूरे में देख लीजिए, एक इस तरफ है लेकिन वहां पे भी काफी दूर है, वो राइट साइड में मेरे। और ये एक छोटा सा नलका यहाँ पे है जो कि लगा हुआ है, और थोड़ा नीचे ध्यान से चलना पड़ेगा, यहाँ पे छोटे छोटे चीटे हैं, तो यहाँ पे चीटे हैं काफी सारे। तो आज हम देखते हैं क्या यहाँ पे कोई एनर्जी है, या तो जिनकी डेथ हुई थी। मैंने आप सभी को बताया था मैं यहाँ पे आऊँगा और एक और बार आना चाहता हूँ, वो मेरी खुद की इच्छा है आने की। मेरा ये है कि कभी मेरे पास पैसा आया तो मैं यहाँ पे इस मंदिर को थोड़ा सा रेनोवेट कराऊँ, ये मेरी खुद की दिल की इच्छा है जो मैं करना चाहता हूँ। और तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला काफ़ी। तो आप सभी को बता देता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है जिनसे मैंने स्टोरी सुनी, गाँव के लोगों से तो नहीं, कि यहाँ पे शायद वो एनर्जी हो सकती है। तो हम देखते हैं क्या कोई एनर्जी है यहाँ पे या नहीं। लास्ट टाइम पे मैंने सोचा कि मंदिर पे
ये सब करना अच्छा नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा, ऑल्दो ये गलत है, लेकिन मैं यहाँ पे भगवान की प्रेजेंस फील नहीं करने आया। मुझे ये तो पता है भगवान होते हैं, वो हमेशा आसपास होते हैं, उनको सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव एनर्जी उनमें से तीन लोगों की कोई है तो शायद पता चल जाए। और आपको बता देता हूँ, इस खेत में किसी की डेथ भी हो गई थी आगे जाके, तो शायद वो हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे थोड़े टाइम पहले किसी की डेथ हो गई थी। तो जो भी है इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं, अगर कुछ लगेगा तो आपको ज़रूर मैं बताऊँगा, लेकिन मैं इस इन्वेस्टिगेशन को बाहर की तरफ करूँगा क्योंकि नेगेटिव एनर्जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस जगह पे आए। आसपास भटक सकती है लेकिन इस जगह पे नहीं। तो चलिए को हम यहां रखते हैं। और पीछे हो जाते हैं, काफी पीछे हो जाते हैं। अब देखिए बहुत डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत डिस्टेंस है। लाइट को लो करते हैं, बिल्कुल इस तरफ आ जाते हैं। बहुत डिस्टेंस है, काफी लोग बोलते हैं मोशन सेंसर लाइट आप पास जाते हैं, तो हम काफी दूर हैं और हम हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी। वेट करते हैं, यहाँ पे सीधा कुछ ही सवाल पूछेंगे और उसके बाद मैं वेट करूँगा थोड़ी देर। और चलिए, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अगर आप में से कोई भी, तीनों लोग में से कोई भी इसके आसपास है मंदिर के पास, तो आप यहाँ पे सामने आ जाइए और मुझसे बात कर सकते हैं आप। ये जो मैंने मीटर जलाया, अगर आप इसके पास आएंगे या उस लाइट के पास, आप उसे आके छूने की कोशिश करें तो मैं ये जान पाऊंगा कि आप यहीं पे ही हैं, आसपास भटक रहे हैं, आसपास हैं। तो मैं जानना चाहता हूं क्या आप हैं यहाँ पे, कोई भी ऐसी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ऐसी स्पिरिट है यहाँ पे। थोड़ा लाइट को कम कर देते हैं। क्या कोई है यहाँ पे जो मुझे सुन सकता हो? अगर सुन सकता है तो प्लीज़ इस मीटर के पास आइए। अगर आप इस मीटर के पास आएंगे तो इसमें बत्तियाँ जलेंगी और मुझे आपके होने का उससे पता चलेगा। क्या कोई है यहाँ पे? देखिए अभी कोई सिग्नल नहीं आया, कोई मोशन सेंसर पे कोई लाइट नहीं आई। ये देखिए पक्षियों की आवाज़ आ रही है। कोई मुझे सुन सकता है तो आप में से कोई भी इस मीटर के पास आए और मुझे अपने होने की प्रेजेंस फील कराएं। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कोई है यहाँ पे। क्या उन तीन लोगों में से कोई है जिन्होंने यहाँ की मूर्तियां चुराई थी, जिन्होंने अष्ट धातु की मूर्तियां चुराई थी, राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्ति चुराई थी, उनमें से कोई भी है तो इस मीटर के पास या मोशन सेंसर लाइट के पास आके मुझे अपने होने का एहसास कराइए। देखिए घबराइए मत, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं यहां से चले जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, बस ये जानना चाहता हूं अगर आप में से कोई भी है यहां पे, कोई भी ऐसी शक्ति तो मेरे सामने आइए, मुझसे बात करिए, मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूं क्या आप में से कोई भी मुझे ये जवाब दे सकता है। कि आपने ये मूर्तियां क्यों चुराई थी? मैं एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने सवाल पूछता रहूं। आप में से कोई है यहाँ पे जिन्होंने ये मूर्तियां चुराई थी? उन तीनों में से कोई भी एक ऐसा। क्या आप मुझे देख सकते हैं? अगर आप मुझे देख सकते हैं तो
इस मीटर के पास जिसमें ये हरी लाइट जल रही है इसके पास आ जाइए, और एक छोटी सी लाइट है उसके पास से गुजर भी जाएंगे तो आप मुझे अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। क्या कोई और एनर्जी इसके आसपास है? मुझे लगता है यहाँ पे भी कोई है नहीं। क्या कोई मुझे देख सकता है? मैं अगले सवाल क्या पूछूं अगर मुझे इन्हीं सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो? ये किसी की आवाज़ आई, देखिए आप, बाकी मेंढक की आवाज़ आ रही, नीचे शायद चीटे काट रहे हैं। क्या मुझे कोई सुन सकता है, मुझे देख सकता हो, मुझे छू सकता हो, तो इन में से कोई भी आप ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं तो इस मीटर के पास आइए, इस लाइट के पास आइए। क्या आप चाहते हैं मैं यहां से जाऊं, या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? अगर कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, तो बस इस मीटर के पास आ जाइए, उस लाइट के पास आ जाइए जो वहां पे एक छोटी सी है। मुझे लगता है आप डर रहे हैं शायद। ये मोशन सेंसर लाइट जली है, मेरे आगे आने से जली है। अभी किसी की प्रेजेंस मुझे फील नहीं हुई, और यहाँ पे किसी के होने का मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन कुत्ते भौंक रहे हैं, देखो अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं। देखिए अगर शायद इसमें नोटिस हो रहा होगा तो मैं एक काम करता हूँ। अब आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। जब आपको लगता है ना ये कि मैं इन्वेस्टिगेशन छोटी करता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, मैं अपने सवाल पूछता रहता हूँ, इस पर अभी मैं नोटिस करता रहूँगा। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मैं भी आधा घंटा या 15-20 मिनट यहाँ पे रुकने की कोशिश करूँगा और इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। तब तक मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं इसका पार्ट ज़रूर आपको दिखा दूँगा। तो गाइज यहाँ से चलते हैं, और वाकई यहाँ की कहानी बहुत बड़ी है। मेरी 22 मिनट वाली वीडियो देखना। यहाँ पे अभी कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो कि मैं आपको और वीडियो बना के दिखाऊं या और कोई इन्वेस्टिगेशन करूं। तो यहाँ से चलते हैं, सीधा वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ से। प्लीज़ फॉलो करिए स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करना ना भूलें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं जानता हूँ ये वीडियो जल्दबाजी में बनी है, लेकिन इसका भी एक कारण है। मुझे सच में यहाँ पे टाइम लिमिट दे रखी है, मुझे मना कर दिया 12 बजे के बाद यहाँ पे नहीं आ सकते। वो कुछ भी रीज़न होगा, क्योंकि ये जंगलों के बीच में है, मतलब खेतों के बीच में, जंगलों के बीच में आप कुछ भी रह सकते हैं। पीछे की तरफ थोड़ी सी झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो नहीं चाहते मैं रिस्क पे रहूं। दो बंदे आए, ऑब्वियस ही बात है। तो चलते हैं यहाँ से, प्लीज़ सपोर्ट करना। और वाकई इस मंदिर में कुछ तो ऐसी बात है जो लोगों के साथ ये हुआ, पूरे गांव वालों का ऐसा कहना है। यार आप सोचो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक मूर्ति चुराना भगवान की, मतलब ये पाप उन्हें चढ़ा था और उनको उनकी सज़ा मिली। मीटर पे अभी कोई सिग्नल नहीं आ रहे, ये मोशन सेंसर लाइट इसलिए चल रही है क्योंकि अभी कैमरा घूम रहा है और हम सब यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप सभी लोग।